अब हम चले पूजा करने। चलो खींचेंगे ना खींचेंगे। हर्षित माता की पूजा कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए किया जाता है, खासकर लड़कों के लिए, पर मैं अपनी दोनों बेटी के लिए पूजा करती हूँ। ये हर साल इसे पूजा करते हैं और हम दूसरे के घर जाके पूजा कर रहे हैं। दूसरे के घर में करते हैं ये पूजा। अधिकतर एमपी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे अधिकतर पूजा की जाती है इस दिन हर्षित में। इसमें सुबह से कुछ नहीं खाया जाता और जो खेत में होता है वो नहीं खाया जाता है और खेत में चला भी नहीं जाता है। इस व्रत में सिर्फ फल फूल ही खाया जाता है, इसके अलावा हम कुछ फलाहार नहीं ले सकते हैं। सिर्फ फल का ही फलाहार किया जाता है इस व्रत में। अब पानी परिक्रमा करके चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद हम पानी और चाय पी सकते हैं। उसमें सिर्फ जो भैंस होती है उसी के दूध की ही बनी हुई चाय पी सकते हैं। दही और घी भी भैंस के दूध भैंस से ही होती कर सकते हैं। ये लाई जो है कन्याओं को दी जाती है।